Hey, what is up, people? This is Gurjot from the official channel Gurjot Creation. And guys, welcome to 5th episode of Infinite Design Beginner to Pro. So guys, अगर आप इस सीरीज को अगर शुरू से अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि यहाँ पे जो दूसरे एपिसोड में हमने यहाँ पे कवर किया था ब्रश पैनल को, जो हमारा इन्फिनिट डिजाइन मोबाइल एप्लीकेशन का ब्रश पैनल है उसको, और हमने जो लास्ट वीडियो इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लेजी टूल को, जो कि आपने देखा होगा। बट गाइस, यहाँ पे आज के वीडियो में गाइस फिर से हम यहाँ पे लेजी टूल का यहाँ पे जिक्र करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो लेजी टूल और यहाँ पे लासो ब्रश का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना यहाँ पे जबरदस्त है। इसके लिए गाइस एक डेडिकेटेड वीडियो करें, यहाँ पे बिल्कुल बनाना बनता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे लासो ब्रश का यहाँ पे काम आपको याद होगा, यहाँ पे ये जहाँ पे भी आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे यहाँ पे जहाँ पे भी फिंगर चलाते थे उस एरिया को यहाँ पे ब्रश कवर कर लेता था। और जहां तक आपको लेजी टूल का गाइस, जहाँ पे आपको यहाँ पे काम याद होगा, जो भी गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो भी यहाँ पे ब्रश चलाते थे गाइस, उस ब्रश को यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल में रखता था लेजी टूल। अब गाइस यहाँ पे अगर इन दोनों चीजों का अगर हम यहाँ पे यूज करें अपने यहाँ पे वेक्टर डिजाइनिंग में, इलस्ट्रेशन में, तो हमें यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाली, यहाँ पे हमारा काफी टाइम बचेगा और काफी जल्दी जल्दी से हम यहाँ पे शेप जो है बना पाएंगे। तो गाइस चलिए प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखते हैं अपने इन्फिनिट डिजाइन मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरीके से यहाँ पे हमारे हेल्पफुल रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इन्फिनिट डिजाइन मोबाइल एप्लीकेशन को करा है ओपन। सिंपली हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं ब्रश में जाऊंगा गाइस, ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा लासो ब्रश ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब गाइस अगर आप देखें तो गाइस यहाँ पे लासो ब्रश लेके अगर गाइस मैं ऐसे यहाँ पे इस ब्रश को यहाँ पे यूज करता तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे शेप के यहाँ पे जो एज है वो काफी यहाँ पे रफ है, जो हमारी शेप है काफी जर्की सी यहाँ पे शेप है। बट गाइस अगर मैं इसी शेप को गाइस अगर आप मैं लेजी टूल के साथ बनाता तो गाइस आपको यहाँ पे रिजल्ट काफी डिफरेंट देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जब देख सकते हैं कितना यहाँ पे स्मूथ है यहाँ पे शेप, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्मूथ आपको रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे अपनी फ्री स्टाइल वाली ड्राइंग में, जब भी आप अगर आप लेजी टूल और यहाँ पे लासो ब्रश की यहाँ पे हेल्प से करेंगे चीजें। अब गाइस यहाँ पे लेजी टूल और यहाँ पे लासो ब्रश के यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक सेटिंग देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे ऊपर सेटिंग पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रेडियस, जैसा कि आप देख सकते हैं रेडियस। फिलहाल जो हमारा रेडियस है 50 pixels पे। अगर यहाँ पे रेडियस काम किस तरीके से अगर मैं बताता हूँ, अगर गाइस आपको यहाँ पे अपने आर्ट वर्क में बिल्कुल यहाँ पे गाइस आप बारीकियों से अपने ब्रश को यहाँ पे घुमाना है तो गाइस यहाँ पे आप इसका रेडियस जितना कम हो सके उतना कम कर देंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और गाइस अगर आपको यहाँ पे इतनी बारीकियों में अपना ब्रश नहीं घुमाना है तो आप जो रेडियस उसे बढ़ा भी सकते हैं आपकी मर्जी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं रेडियस यहाँ पे 5 पे रखता हूँ, अच्छा मैं जूम करके यहाँ पे एक शेप बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कितनी बारीकियों में यहाँ पे अपने जो ब्रश को यहाँ पे घुमा पा रहा हूँ। अब गाइस अगर इसी चीज को यहाँ पे मैं रेडियस को मैं फुल 100 पे कर देता हूँ, मैं करने का यहाँ पे ट्राई करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे को काफी तकलीफ देखने को मिल रही है। हम जो इतने छोटे छोटे यहाँ पे कर्व्स यहाँ पे नहीं ले पा रहे अपने ब्रश की मदद से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रेडियस भी कई बार आपको यहाँ पे हेल्प करेगा जब छोटी छोटी सी आप शेप बनाएंगे अपने हेयर्स वगैरह में। और गाइस यहाँ पे अगर आप पेपर पे अपनी ड्राइंग करते हैं या फिर एक अच्छे से आप पेंसिल आर्टिस्ट है तो गाइस यहाँ पे उस स्किल का फायदा आप गाइस यहाँ पे भी आप उठा सकते हैं एक स्टाइलस पेन का यहाँ पे यूज करके। तो गाइस यहाँ पे स्टाइलस पेन यहाँ पे बहुत बेसिक सा यहाँ पे स्टाइलस पेन है, बट गाइस यहाँ पे आप यहाँ पे पेंसिल आर्टिस्ट तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प कर सकता है। वैसे तो गाइस यहाँ पे मैं बहुत अच्छा यहाँ पे पेंसिल आर्टिस्ट नहीं हूँ तो यहाँ पे मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने ये नया ही परचेस करा, ज्यादा मैं इसे यूज करता हूँ क्योंकि मैं 2-3 साल से जो मैं अपने हाथों से यहाँ पे वेक्टर आर्ट वगैरह क्रिएट करता हूँ। बट गाइस स्टिल यहाँ पे मैंने इसे परचेस करा, मैंने यूज करके देखा तो पेंसिल आर्टिस्ट को यहाँ पे इससे काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिल जाती है। अगर आप चाहे तो गाइस कुछ ऐसे यहाँ पे स्टाइलस पेन का यहाँ पे लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, मे बी यहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल रही थी। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम गाइस यहाँ पे आपके जो बाल होते हैं उसमें आपको काफी डिटेल्स में यहाँ पे काम करना होता है, आप देख सकते हैं काफी आपको बारीकियों में यहाँ पे काम करना होता है, अनलेस आप जो बाला म्यूजिक वीडियो के यहाँ पे अक्षय कुमार है। तो गाइस यहाँ पे हम कुछ ऐसी यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि यहाँ पे मेरे को डिटेल में कुछ बाल में काम करने को मिले, ताकि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली शो कर सकूं कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों चीजों का कितना यहाँ पे यूजफुल है। तो चलिए हम इमेज यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नीरज की एक इमेज ले ली है एनएसबी पिक्चर्स की, बट यहाँ पे इसमें मैं थोड़े बालों की ओर जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे कितनी डिटेल्स में यहाँ पे काम करना पड़ेगा बिल्कुल परफेक्ट जो अपने बाल बनाने के लिए। बट गाइस यहाँ पे लेजी टूल की मदद से बहुत इजीली यहाँ पे आपका होने वाला काम, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं रेडियस को यहाँ पे कर दूँ थोड़ा कम, ऑलमोस्ट मैं 10 पे रखता हूँ, अगर यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने ब्रश को यहाँ पे चलाऊंगा यहाँ पे देख सकते हैं कितनी इजीली यहाँ पे हमारे जो हेयर्स की यहाँ पे स्पाइक्स है जो यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे बन रही है इन दोनों टूल्स की मदद से। तो बेसिकली इसी तरीके से आपको यहाँ पे यूज करना है यहाँ पे लासो ब्रश और यहाँ पे लेजी टूल को। अब गाइस यहाँ पे जिस जगह पे आप बिल्कुल एकदम एक्यूरेट शेप चाहिए वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि इन दोनों चीजों को यहाँ पे अवॉइड करें, आप इसके जगह पे पेन टूल का यहाँ पे यूज कर ले लासो ब्रश के साथ। और क्योंकि गाइस इस टॉपिक पे इतने यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि दोनों के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए, तो गाइस यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन को कर दिया एक्सप्लेन, काफी सिंपल सी चीज है। बट गाइस अगर आप इसे सही से यूज करें तो आपको काफी अच्छे अच्छे से रिजल्ट यहाँ पे मिल सकते हैं, काफी कम टाइम में आप काफी अच्छी सी यहाँ पे इलस्ट्रेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्फिनिट डिजाइन बिगिनर टू प्रो के यहाँ पे 5वें एपिसोड में गाइस यहाँ पे इतना ही था।
अब गाइस हम आने वाले वीडियो में और भी इसकी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। अगर यहाँ पे नीचे मेरे को कमेंट में जरूर बताया कि यहाँ पे मैं और क्या क्या कवर करना चाहिए। अगर यहाँ पे इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो इसको लाइक जरूर कर दे, नीचे मेरे को कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और ऐसे काम के वीडियो तो आते ही रहेंगे तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो चलो फिर बाय।